खबर है सभी वस्तुओं की दुकानें 31 मई तक खोलने की अनुमति। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक सभी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े गए लोगों को जुर्माना भरने की समय सीमा में छूट दी जा सकती है। ट्रैफिक SP ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे लोगों से लॉकडाउन खत्म होने के बाद जुर्माना लिया जाएगा। वहीं रांची जिले के अंतर्गत आने वाले 16 इलाके को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर किया गया है उसमें करंजी बेड़ो, मोरो इटकी, बांस टोली, गली पिसका मोड़, लोवाडी, हिताओ, बुंडू, खसी टोला, बजरा, अरसंडे, कांके, बड़ा तालाब के पास गाड़ीखाना, सेवा सदन, उपकार नगर, कडरू, रामनगर के पावर हाउस के पास चुटिया, इमली चौक, हरमो, नेताजी नगर, कांटा टोली, आनंदपुरी रांची, डॉक्टर्स कॉलोनी बरियातू, जाकिर कॉलोनी, इलाही नगर शामिल है। खबर है निजी स्कूलों में फीस नहीं लेने का आदेश जारी करेंगे शिक्षा मंत्री। दोस्तों, खबर आ रही है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर कहा है कि निजी स्कूल लॉकडाउन अवधि का फीस नहीं लेंगे। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अभी वे स्कूलों से मानवता के आधार पर फीस नहीं लेने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन विभाग शीघ्र इस संबंध में आदेश भी जारी करेगा। मंत्री ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। आपको बता दें कि मंत्री कई बार निजी स्कूलों द्वारा फीस नहीं लेने की बात कह चुके हैं, लेकिन इस संबंध में अभी तक स्कूलों को कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे पहले झारखंड एकेडमी काउंसिल ने स्कूलों को इसे लेकर सिर्फ अनुरोध पत्र भेजा था। इधर कई निजी स्कूलों ने अभिभावकों से फीस वसूलना शुरू कर दिया है। कुछ स्कूलों ने फीस की राशि भी बढ़ा दी है। खबर है झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 6 जिलों में खुलेंगे ITI केंद्र। जी हाँ, खबर आ रही है दोस्तों, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। कौशल विकास योजना के तहत झारखंड के 6 जिलों में ITI केंद्र खुलेंगे। रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में ITI केंद्र खोले जाएंगे। इन ITI केंद्रों में शैक्षणिक प्रशिक्षण भवन और 100 बेड का हॉस्टल भी रहेगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एम्स और भारत सरकार द्वारा चयनित कंपनियों से सीधे टेस्टिंग किट, दवा और अन्य सामग्रियां भी खरीदारी नॉमिनेशन के आधार पर हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार पलामू में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 10 एकड़ जमीन निःशुल्क देगी। इसके अलावा राज्य में 104 करोड़ की लागत से 6 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को संचालित करने की स्वीकृति दे दी गई है। खबर है सरयू राय ने चेताया जासूसी पर सियासी भूचाल। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच की पुष्टि के बाद ट्वीट किया है। राय ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने आज तक एक बार भी सरकार के शीर्ष पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप नहीं लगाया जो गलत साबित हुआ हो। उनके आरोपों की जांच के बाद मुकदमा होने पर कोई जेल जाता है तो अपनी करनी से जाता है। उनके आरोप के कारण नहीं, उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है कि इस तरह का कृत्य करने वाला भला जेल नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री सरयू राय ने रघुवर सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि रघुवर सरकार ने गोंदा थाने के पीछे विशेष शाखा का एक अवैध कार्यालय चल रहा था जहां एक निजी व्यक्ति उसका संचालन कर रहा था और सरकार के इंस्पेक्टर, DSP और सुरक्षा गार्ड उसके अधीन कार्य कर रहे थे। खबर है तूफान का राज्य में दिखने लगा है असर। बादलों के बीच बूंदाबांदी शुरू और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। खबर आ रही है दोस्तों, राजधानी रांची समेत जमशेदपुर, धनबाद के साथ अन्य जिलों में अम्फान तूफान का बुधवार को असर दिखना शुरू हो गया है। मंगलवार देर रात से राज्य के कई जिलों में बूंदाबांदी जारी है। बुधवार सुबह से ही आसमान में बादल हैं। बूंदाबांदी के बीच लोगों को पिछले 2-3 दिनों से चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आसमान में बादल 20 मई को भी छाए रहेंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में तूफान टकराएगा। इसका असर झारखंड में भी दिखेगा।
21 मई से रांची सहित पूरे राज्य का तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। 21 से 23 मई तक अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। खबर है किसानों पर दोहरी मार, कर्ज माफ नहीं हुआ और ब्याज दरों में छूट भी नहीं मिली। खबर आ रही दोस्त, खेती के जरिए अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर लाने की राज्य सरकार की कोशिशों में विरोधाभास दिखने को मिल रहा है। किसानों के हितों से जुड़ी योजनाओं में काट छांट जारी है। कर्ज माफी योजना अब तक प्रभावी नहीं हो सकी है। किसान सस्ते कर्ज की आस से वंचित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसके तहत किसानों को ब्याज दरों में 3% की छूट दी जाती है, बंद कर दी है, जबकि केंद्र सरकार ने इस योजना का अवधि विस्तार किया है। भारत सरकार ने कृषि पैकेज की घोषणा के दौरान किसानों को ब्याज दरों में बड़ी राहत देते हुए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को अगले 3 माह तक जारी रखने की घोषणा की है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किसानों को ब्याज दरों में 3% का प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके तहत समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को महज 4% ब्याज पर ही कर्ज मिलता है। खबर है अब रांची में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है कोरोना जांच के लिए, मोबाइल के द्वारा SMS से मिलेगी उसकी रिपोर्ट। दोस्तों खबर आ रही है झारखंड में कोरोना मरीजों की टेस्टिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। झारखंड लौट रहे प्रवासी मजदूर काफी संख्या में कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। मई महीने के अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो इनकी संख्या 100 से अधिक है। रेड जोन में शुमार राजधानी रांची के लिए अच्छी खबर है कि यहां तेजी से कोरोना के मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। अब सिर्फ 14 संक्रमित मरीज इलाजरत हैं। रांची के 16 इलाकों को कंटेनमेंट जोन से हटा लिया गया है। अब तक कोरोना सैंपलिंग का डाटा रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किया जा रहा था, अब रांची में ऐप के जरिए ऑनलाइन सैंपलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके साथ ही सैंपल देने वाले आम नागरिकों को भी जांच की रिपोर्ट जानने को लेकर असमंजस नहीं रहेगा। टेस्ट रिजल्ट आने के साथ ही जैसे ही ऑनलाइन डाटा का सबमिशन किया जाएगा, उसके ठीक बाद SMS के माध्यम से जांच का स्टेटस मोबाइल में भेज दिया जाएगा। विशेष जानकारी www.covid19cc.nic.in पर ले सकते हैं। और इसी के साथ बेहद बड़ी खबर आ रही है जो बेहद महत्वपूर्ण और अहम है। जी हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों बेल की आइकन को दबाइए ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, जुर्माना भरने की समय सीमा में मिल सकती है छूट। दोस्तों बेहद खबर है, बड़ी खबर है, लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े गए लोगों को जुर्माना भरने की इस समय सीमा में छूट मिल सकती है। ट्रैफिक SP ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे लोगों से लॉकडाउन खत्म होने के बाद जुर्माना लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार बिना हेलमेट के वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहले ट्रैफिक नियमों की जानकारी के लिए क्लास करना पड़ता है, वहां से NOC मिलने के बाद ही जुर्माना लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में लॉकडाउन को लेकर क्लास बंद है, इसके साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल रूम में ऑफलाइन जुर्माना नहीं लिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस लोगों पर 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना कर चुकी है। ट्रैफिक अपराध से जुड़े साधारण मामलों में लोगों के पास जुर्माना भरने के लिए ऑनलाइन रसीद भेजे जा रहे हैं। वर्तमान में ऑनलाइन जुर्माना भरवाया जा रहा है। बड़ी खबर है, बंगाल के तटों से टकराया तूफान, गांव में तेज हवाएं और बारिश। जी हां, खबर है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात एम्फान का लैंडफॉल शाम 4 बजे से ही शुरू हो गया। इस दौरान हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर से लेकर 185 तक हो गई है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार कोलकाता के समीपवर्ती दक्षिण 24 परगना जिले और पूर्वी मिदनापुर के तटीय भाग दीघा और हल्दिया में नामखाना, फ्रेजरगंज, सागर द्वीप और काकद्वीप जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश शुरू हो गई है। और इसी के साथ बेहद बड़ी खबर आ रही है, 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें, एयरपोर्ट्स और विमान कंपनियों को तैयार रहने को निर्देश। दोस्तों खबर आ रही है, लॉकडाउन के कारण करीब 2 महीने से देश भर में बंद हवाई सेवाएं अब 25 मई से एक बार फिर शुरू होंगी।
इसकी जानकारी खुद नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके दी है। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। हाल ही में सरकार ने रेल सेवा की फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ानें भी 25 मई यानी सोमवार से शुरू होंगी। हरदीप पुरी ने कहा कि सोमवार 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सभी हवाई अड्डों को सूचना दी जा रही है। यात्रियों के लिए SOP भी जारी किया जा रहा है। हरदीप पुरी ने जानकारी दी है कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट्स और विमान कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया है।